हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेंद्र बोला और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक का विषय है आयुर्वेदिक वाइग्रा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में, विश्व में आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजेकुलेशन, लो स्पर्म काउंट ऐसी सेक्सुअल समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं और इस वजह से लोग काफ़ी एलोपैथिक दवाएं जैसे कि सिलडेनाफिल, टाडालाफिल, यानी कि एक हम बोल सकते हैं जो एलोपैथिक वाइग्रा है, इसका बहुत यूज़ करते हैं और यूज़ करने से परेशान भी हैं क्योंकि उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो वो उनको समझ नहीं है कि कैसे हमें यूज़ करना है। दोस्तों, जो एलोपैथिक वाइग्रा टैबलेट्स हैं जैसे कि सिलडेनाफिल है, टाडालाफिल है, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पेशेंट्स हमको बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये दवा हमको मत देना क्योंकि इसका असर टेम्पररी है और फिर हमें इसके साइड इफ़ेक्ट से जूझना पड़ता है, ये नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ है, हम इसको लंबे समय तक नहीं दे सकते एलोपैथिक वाइग्रा को, और लोकलाइज्ड इफेक्ट है, सिर्फ पेनिस में थोड़ा देर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, बाकी शरीर पर इसका कोई भी अच्छा असर, सकारात्मक असर, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर नहीं देखना मिलता। वहीं हम जब आयुर्वेदिक वाइग्रा की बात कर रहे हैं जो हम आज आपको बताएंगे, इसके अंदर जो हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, वो टाइम एंड टेस्टेड हैं और ये इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, गुड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ है। आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगातार यूज़ कर सकते हैं और पूरे बॉडी पर इफेक्ट करता है, पूरे बॉडी को वाइगर विम, वाइगर वाइटालिटी बढ़ाता है, यानी पूरे बॉडी को एनर्जाइज करता है। और जो बीमारी है, जो मेन सेक्सुअल बीमारी है जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र बंधन और लो स्पर्म काउंट या स्पर्म की क्वालिटी कम होना, उसको जड़ से मिटाने में मदद करता है। ये आज हम साबित करेंगे, प्रूव करेंगे, साइंटिफिक प्रूव करेंगे कि आयुर्वेदिक वाइग्रा जो कि मेडिसिनल हर्ब से बना है वो कैसे हमें लेना चाहिए और कैसे हमें फ़ायदा पहुँचाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को आयुर्वेदिक वाइग्रा यानी कि वो आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि सेक्सुअल बीमारियों में जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजेक्शन को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, जो हम आपको आयुर्वेदिक वाइग्रा का जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसमें जो मेन टैबलेट हमको लेनी है या हम ले सकते हैं वो है टैबलेट विम फिक्स। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी टैबलेट विम फिक्स, ये सांडू फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, इसलिए हम विश्वास से ये बात कह सकते हैं इन्होंने इसमें जो दवाई बताई है वो इसके अंदर सही तरह से काम कर रही है, वो सही तरह से इसको बनाया गया है। दोस्तों, टैबलेट विम फिक्स के अंदर वो सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो नेचुरली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजेकुलेशन और लो स्पर्म काउंट को ठीक करते हैं। इसके अंदर जो पहला आयुर्वेदिक हर्ब है वो है गोक्षुर। दोस्तों, गोक्षुर कैसे काम करता है आप स्क्रीन पर इसकी फोटो देख सकते हैं। गोक्षुर न कि आपके बॉडी में स्टेमिना को इंक्रीज करता है परंतु इरेक्टाइल डिसफंक्शन को धीरे धीरे जड़ से खत्म करने में मदद करता है। कैसे? इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेपोनिन्स। सेपोनिन्स क्या करता है? पेनिस के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैवर्नस मसल्स, उनके अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। मॉडर्न साइंस में भी ये चेक करके देखा गया है कि सेपोनिन्स से इंट्रा कैवर्नस प्रेशर यानी कि पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ने से ICP इंट्रा कैवर्नस प्रेशर बढ़ता है और पेनिस को स्ट्रेंथन करता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जड़ से मदद करने में फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरह से दोस्तों पहला जो हर्ब है वो है गोक्षुर। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट हर्ब इसके अंदर जो है, जड़ी बूटी है आयुर्वेदिक, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम हमने सबने सुना है पर ये काम कैसे करता है हम बताते हैं। इसको बोलते हैं एडेप्टोजेनिक हर्ब, यानी कि वो हर्ब, वो जड़ी बूटी जो आपके शरीर को स्ट्रेस से, कमजोरी से, मानसिक कमजोरी से, शारीरिक कमजोरी से बाहर निकालता है, बाउंस बैक करता है और मजबूती देता है। दोस्तों, अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है, कॉर्टिजोल, उसके लेवल को कम करता है। ये मॉडर्न साइंस में, लैब्स में देखा गया है, चेक किया गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है। हम ऐसा नहीं बोलते अश्वगंधा खाओ ठीक हो जाओगे। कॉर्टिजोल ही स्ट्रेस हार्मोन होता है जिस वजह से हमारा जो शरीर है, हम मानसिक तनाव में रहते हैं, हमारा आजकल लाइफस्टाइल है वो भाग दौड़ भरा हो गया है, हम हमेशा सोच विचार चिंता में रहते हैं, उस समय हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ा रहता है और हम टेंशन में रहते हैं, इस वजह से हम नॉर्मल कार्य ठीक नहीं कर सकते, सेक्स करना तो बहुत दूर की बात है। अश्वगंधा क्या करता है, इस हार्मोन को, स्ट्रेस हार्मोन को लेवल में लाता है और इस तरह से हमारे मानसिक कमजोरियों को दूर करता है, स्ट्रेस कमजोरी को दूर करता है।
और जो साइकोजेनिक ईडी होती है, साइकोजेनिक यानी जो सोच विचार स्ट्रेस एंग्जाइटी से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उसके लिए तो रामबाण दवा है दोस्तों। ये ना कि आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, परंतु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बढ़ाता है। इस वजह से आपको स्टेमिना बढ़ाता है और ये जो बीमारी है आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजेकुलेशन, इसमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब है, वो है कवच बीज, उसको हम कौच बीज भी बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर इस केमिकल्स ऐसे हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाते हैं, यानी जिन लोगों में सेक्स करने की इच्छा ही कम होती है उनके अंदर ये दवा बहुत अच्छा फायदा करती है। प्लस स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, न कि स्पर्म काउंट को बढ़ाता है परंतु स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको भी रिसर्च में पाया गया है कि अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो ये थर्ड हर्ब है कौच बीज दोस्तों। नेक्स्ट है वो है सफ़ेद मूसली। इसके इतने अच्छे गुण पाए गए हैं कि इसको साइंटिस्ट लोग वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, सफ़ेद सोना। और ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे हम आपको पीछे हर्ब्स के बारे में बता रहे थे। बाकी अन्य हर्ब्स हैं जैसे कि केसर, शतावरी, विदारीकंद। दोस्तों ऐसे मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर ये मैंने रिसर्च करके पाया गया है कि जो भी हर्ब्स इस टैबलेट विम्फिक्स में हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है मॉडर्न साइंस द्वारा। और ये टैबलेट लेने से हम देख सकते हैं कि हमारी जो बीमारी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन, प्री मैच इजैकुलेशन, स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म की क्वालिटी की कमी, इसको धीरे धीरे ठीक करता है। हाँ, इसको लेना है कम से कम 3 महीने, यानी कि 90 डेज, 2 महीने से 3 महीने का कोर्स है। ये दवा लेने से पहले आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिजिशियन से एक बार अपना चेकअप करा लेना। अगर आपको किसी भी तरह की किडनी प्रॉब्लम है, रीनल डिजीज़ है, तो ये दवा आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ बहुत सारे हर्ब्स हैं जो आपको किडनी पर इफेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये आयुर्वेदिक है इसलिए कम्प्लीटली सेफ है। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उन लोगों को ये दवा नहीं लेनी है, हमारी सलाह है। बाकी जो लोगों का डायबिटीज़ है, बीपी है पर करंट कंट्रोल्ड है, वो इस दवा को आराम से ले सकते हैं। लेने से पहले कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन आपके जानकार हो उनसे आप एक बार चेक करवा लेना चाहिए। लेने का जो डोज है नॉर्मली वेट के हिसाब से हम बताते हैं। अगर वेट आपका 60 केजी के ऊपर है तो नॉर्मली 2 टैबलेट सुबह शाम होगा, और 60 से नीचे है तो 1 टैबलेट सुबह शाम। जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम 60 डेज से 90 डेज यानी 2 से 3 महीना आपको ये लेना है, दूध के साथ लेना है। और इसके साथ जो लाइफस्टाइल है वो भी आपको इम्प्रूव करनी है, जैसे कि आपका जो वेट अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना है, स्मोकिंग करते हो तो उसको बंद करना है, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ना करना है ना कम करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके साथ क्या लेना है, विम्फिक्स टैबलेट के साथ, आयुर्वेदिक वायग्र कंसेप्ट है तो इसके अंदर जो टैबलेट हम लेनी है हमने बता दी, टैबलेट विम्फिक्स। इसके साथ आपको लेना है शिलाजीत, क्योंकि शिलाजीत भी ये साइंस में नहीं, पूरे शतकों से, कई सालों से प्रूव्ड है कि ये आपके जो सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। परंतु लेना है अच्छे कंपनी का, आप आपके पसंद की कंपनी का ले सकते हैं, परंतु जो हमने एक्सपीरियंस में देखा गया है, जो हम मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 20 साल का, उसमें हम पेशेंट्स को देते हैं डाबर शिलाजीत कैप्सूल। ये कैप्सूल लेना है 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दवा के अंदर, विम्फिक्स दवा के अंदर भी शिलाजीत है, परंतु उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम है, इसलिए हम आपको अलग से शिलाजीत लेने के लिए कहते हैं, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को खाने के पश्चात, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया है विम्फिक्स टैबलेट जो सांडू कंपनी का है। इस पैकेट में 60 टैबलेट्स आते हैं, 60 टैबलेट, और इसका कॉस्ट है 600 रुपये के आसपास, यानी कि 1 टैबलेट आपको 10 रुपये का पड़ेगा। अगर आप 2 टैबलेट सुबह शाम लेंगे तो पूरे दिन का 40 रुपये खर्चा ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से ये विम्फिक्स टैबलेट हमने बताया आपको। दूसरा हब हमने बताया है आपको शिलाजीत लेना है, आप अपनी पसंद का भी ले सकते हैं, पर हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं डाबर शिलाजीत कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद। और तीसरा जो कंसेप्ट में वो है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में है, हमारे घर पर है, जो हम खा सकते हैं, जैसे कि आंवला आपको खाना है अपने बॉडी को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, रिच इन विटामिन सी है सबको पता है, तो आंवला का मुरब्बा खा सकते हो, आंवला का अचार खा सकते हो, मीठा आंवला खा सकते हो, आंवला का पाउडर ले सकते हो, आंवला, आंवला जैसे कि हम बोलते हैं, विटामिन सी में रिच है, पूरे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोगों से मुक्त करता है। दूसरा आपको खाना है, खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान और दे सकते हैं, जीरा या क्यूमिन सीड्स। जीरा या क्यूमिन सीड के अंदर विटामिन जिंक है और पोटेशियम है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, जिंक और पोटेशियम रिच है जीरा सीड्स या क्यूमिन सीड्स बोलते हैं इसको।
और तीसरा जो ध्यान रखना हमारे खाने पीने वो है, हम रोज़ाना खाते हैं वो है हल्दी और जिंजर। हल्दी और जिंजर इसको खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, हम खाते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट्स हो, मैं आपको स्क्रीन पर मेरे नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। कोई भी तरह की आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यू कैन कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर, इट्स अ पेड कंसल्टेशन। दोस्तों कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।